पांच साइन यूनिवर्स आपको बताता है कि आपका मैनिफेस्टेशन बस होने ही वाला है। पहला साइन है, आप बहुत एक्साइटेड महसूस करोगे, आपकी सारी जो चीजें हैं मतलब आप सिंक्रोसिटी में रहोगे। सिंक्रोसिटी में रहना मतलब आपके जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो को इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वो एक के बाद एक आपस में वो मिले हुए रहेंगे और आप उसको कनेक्ट कर पाओगे, आप उसको पहचान पाओगे कि अरे वाह, अच्छा ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ, देखो अब ये ऐसा हो रहा है, मतलब ये सारे कोइंसिडेंस एक के बाद एक जो है वो आपस में जुड़े रहते हैं और आपको एक्साइटमेंट महसूस होता है। तो ये इसका मतलब है कि आपके जो मैनिफेस्टेशन है बहुत जल्दी होने वाला है। दूसरा इम्पोर्टेंट साइन है कि आप पॉजिटिव महसूस करोगे, अलाइनमेंट में महसूस करोगे, रिलैक्स महसूस करोगे, मतलब आपको बहुत ज्यादा चिंता नहीं होगी, वो चीज है नहीं है वो न्यूट्रल काइंड ऑफ फीलिंग रहेगी आपको, ना बहुत ज्यादा उसकी उम्मीद रखोगे और ना ही ऐसा एहसास होगा कि वो है नहीं या मुझे चाहिए। इट्स ओके, रिलैक्स। जब ये अपने आप में बिना फोर्सफुली आपके अंदर ये फीलिंग आने लगेगी, इसका मतलब है कि वो मैनिफेस्टेशन होने वाला है। और आपको ये भी नहीं समझ में आएगा, ये साइन भी नहीं समझ में आएगा और आपका मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। जब हो जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि अरे इसके बारे में तो मैं भूल ही गई थी, अभी दो तीन दिन से तो मुझे ध्यान ही नहीं था। आप इतना रिलैक्स हो जाते हो, मतलब सच में आप उस चीज को लेट गो कर चुके रहते हो और आप पॉजिटिविटी के साथ में खुद को पॉजिटिव महसूस करने लगते हो, आपको पॉजिटिव एनर्जी महसूस होने लगती है। थर्ड है अलाइनमेंट ऑफ सर्कमस्टेंसेस, मतलब आसपास की परिस्थितियां आपके अनुरूप होने लगेंगी, आपको रिसोर्सफुल लोग मिलने लगेंगे, हेल्पफुल लोग मिलने लगेंगे, जो हो सकता है किसी का ईमेल आ जाए, हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आपको कॉल करे, या हो सकता है आप कहीं किसी इवेंट में गए वहां आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपके गोल से रिलेटेड हो, मतलब आपको रिसोर्सफुल चीजें मिलने लगेंगी और ये यूनिवर्स का साइन है कि आपका मैनिफेस्टेशन होने वाला है। चौथा साइन है इंट्यूटिव नगेट्स, मतलब आपको अंदर से इंट्यूशंस आने लगते हैं कुछ चीज के, कि देखो कई बार होता है ना कि अचानक से इच्छा हुई कि उस मंदिर में हो आते हैं, या अचानक से इच्छा हुई कि अरे मेरे उस फ्रेंड को कॉल कर लेते हैं, या अचानक से ऐसा लगता है एक बार ईमेल चेक करके देखते हैं, कुछ भी आपको ऐसा इंट्यूशंस मिलने लगते हैं और वो इंट्यूशन पे जब आप एक्ट करते हो तो आपका मैनिफेस्टेशन बस विद इन सेकेंड दूर रहता है। तो आपको जब इंट्यूशंस, और ऐसा नहीं कि वो चीजें बनी बनाई रखी है, आपको इंट्यूशन मिला और आपने उठा ली, कई बार ये बड़े गोल भी रहते हैं जैसे उसकी प्रोसेस में भी आपकी हेल्प करते हैं। मान लो आपका एक साल का बहुत बड़ा गोल है, या मेरा बिजनेस बहुत सक्सेसफुल हो जाए, या मेरी इनकम इतने से इतनी तक पहुंच जाए, तो उसके लिए भी आपको ये जो चीजें हैं इंट्यूशंस मिलते हैं कि आप जो प्रोडक्ट यूज करें, हो सकता है मतलब जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसमें थोड़ा सा ये चेंजेस करना पड़ सकता है, या फिर आप प्रमोशन अच्छा काम कर रहे हो तो आपको प्रमोशन के लिए कोई नई स्ट्रेटेजी मिल सकती है, या कोई हाउसवाइफ घर में है तो उनको कुछ एक जो भी उनका मैनिफेस्टेशन है उसके थ्रू हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति आके मिले जो उसके हेल्प करे। इट मीन्स कि आपको इंट्यूशंस आने लगते हैं, आपको अंदर से प्रेरणा मिलने लगती है किसी किसी काम की, और वो फीलिंग के रूप में रहती है, और फिर उस फीलिंग को हम खुद समझ जाते हैं कि अच्छा ये फीलिंग इस चीज की है। और लास्ट इम्पॉर्टेंट यूनिवर्स का साइन है कि आप ग्रेटफुल महसूस करने लगते हो, थैंकफुल महसूस करने लगते हो, धन्यवाद महसूस करने लगते हो। इसका मतलब है यूनिवर्स ने आपकी बात सुन ली, ईश्वर ने आपकी बात सुन ली, आपका मैनिफेस्टेशन बस होने ही वाला है, और कई बार तो हो चुका भी रहता है, उसके बाद तक भी हमको ऐसा लगता है कैसे हो गया, ये तो इतने जल्दी हो गया। यस माय डियर फ्रेंड, लेट गो, सरेंडर, लिव इन हैप्पी मोमेंट, ये प्रोसेस है। मैनिफेस्टेशन की इच्छाएं हमेशा होती रहेंगी, एक मैनिफेस्ट हुआ दूसरी होगी, ये जर्नी है, जीवन भी जर्नी है, इसके फ्लो में बहते जाओ, अपने गोल डिसाइड करते जाओ, पॉजिटिव चीजें करते जाओ, स्किल सीखते जाओ, पॉजिटिव माइंडसेट रखो, सहज रहो, सरल रहो और खुश रहो, क्योंकि इन सब मैनिफेस्टेशन का जो सार है वो है खुश रहना। और खुश किस लिए रहते हैं, हम खुद के लिए रहते हैं। और आप ये कभी मत सोचना कि आपको
खुशी पाने के लिए, किसी का प्यार पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। नहीं माय डियर फ्रेंड, ईश्वर ने आपको बड़े प्यार से बनाया है। आप इस जन्म पृथ्वी पे पैदा हुए, इसको मतलब ईश्वर चाहता है कि आपको पैदा करे, और ईश्वर ने आपको इस लाइफ, ब्यूटीफुल लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए यहाँ भेजा। ये अपने आप में शो करता है कि यूनिवर्स लव्स यू। बस आज के लिए इतना ही बहुत है, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय।